आप देखेंगे, बल्कि आज से शाम के 7 बजे से बीजेपी का आईटी सेल, जो बेचारे एक ट्वीट पर 2 रुपये मेरे नाम की खैरात इनको मिलती है, अब बनाएंगे। ओवैसी ने यह कहा, मैं भारत के प्रधानमंत्री को कहा हूं, मुझे संविधान में अख्तियार है, तुमको चमचागिरी करना है करो, मेरी बच्चियों की मेरी बेटियों की इज्जत नहीं है, अल्लाह ने मुझे भी औलाद दी है, वो मेरी बेटी नहीं होगी मगर मेरी बेटी और बहन की तरह तो है, क्या हमारी इज्जत नहीं है, क्या हमारी बच्चियों की फोटो डालकर उनकी बोली लगाई जाएगी। ये भारत में हो रहा है मेरे अजीज दोस्तों, पहली मर्तबा नहीं दूसरी मर्तबा। वो जो मुस्लिम महिला पायलट है, मुसलमान है, यूपी की है, इससे पहले भी इससे हरकत की गई, पुलिस में कंप्लेन दिया मगर यूपी की पुलिस ने कुछ एक्शन नहीं लिया। अगर वही बाबा योगी आदित्यनाथ के बारे में कोई फेसबुक लिख दे, अगर अमित शाह के बारे में कोई लिख दे, मोदी के बारे में कोई लिख दे, तो पुलिस पहुंचकर उसको जेल को पहुंचा देगी। यही तो मेरी लड़ाई है, अगर मोदी की इज्जत है तो मुस्लिम बहनों की भी इज्जत है, अगर योगी आदित्यनाथ की भी इज्जत है तो मेरी बहनों की उससे ज्यादा इज्जत है, अगर अमित शाह की इज्जत है तो हमारी भी इज्जत है। भारत के संविधान में सब बराबर है, तुम्हारी इज्जत बढ़ के मेरी इज्जत कम नहीं है, इज्जत सबकी बराबर है, ये लड़ाई इज्जत की है, अजमत की, आपको साथ दे रहा है मजलिस का। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब कोई लोग बोलेंगे, बीजेपी के लोग बोलेंगे, ये मुसलमान महिलाओं पे बड़ा अच्छा, इनके दिमाग में एक चार शादियां करते हैं लोग, बताओ डेटा दो, हम एक में परेशान है, ये चाचा कहां है बताओ, क्या डेटा है कुछ, क्या है डेटा है तो बताओ। अरे एक को एक सही इंसाफ करना बस मुश्किल काम है, इनकी शादी नहीं हुई इसलिए ये जज्बात में आ, ये शादियां बहुत करते हैं, दूसरा क्या बोलते हैं, बच्चे बहुत पैदा करते हैं लोग, कहा है डेटा बताओ ना। टीएफआर रेट पूरे देश का गिर गया, मोदी ने सुप्रीम कोर्ट जाकर कहा कि 2 बच्चों का कानून नहीं बना सकते, मगर ये बोलेंगे और फिर बोलेंगे नहीं, इस्लाम में मुस्लिम महिलाओं का सम्मान नहीं होता। अरे दीवाने, अकल तेरे भेजे में नाम की कोई चीज नहीं है, बताओ दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी किसने बनाया तुमको मालूम, पूरी दुनिया की सबसे पहले यूनिवर्सिटी किसने बनाई, मुस्लिम महिला ने बनाई, दुनिया की सबसे पहले यूनिवर्सिटी एक मुस्लिम महिला ने बनाई, उसका नाम क्या था, फातिमा अल फिफरी, फातिमा अल फिफरी था मौजूदा मोरक्को में, यूनिवर्सिटी बनाने वाली सबसे दुनिया में मुस्लिम महिला। और फिर ये बोलते नहीं, मुस्लिम औरतों को दबा दे, तुमको नहीं मालूम जंगे अहद में फारूक आजम उलमा मौजूद है, पूछ लेना, जंगे अहद में फारूक आजम का ये फरमान है कि या रसूल अल्लाह, मैं अपने अतराफ में अगर किसी को देख रहा था तो नसीबा बिनते काब को देख रहा था, फारूक आजम कह रहे जिसको देखकर शैतान भाग जाता था, और आप हमको कहते हम दबाते, फारूक आजम के दौर में कौन था मिनिस्टर सुप्रीटेंडेंट, उनका नाम था शिफा बिनती अब्दुल्ला, इस्लाम में सबसे पहले शहादत किसने दी, मर्द ने नहीं दी, एक महिला ने दी, उसका नाम हजरत सुमैया था, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे। तुम जानते नहीं हमारी तारीख को, याद रखो हमारी बहनों ने निकला सी डबल एन आर सी में तो मोदी को कानून रोकना पड़ा, रोकेगा इंशाअल्लाह, अगर हमारी
बच्चों से इसी तरह नाइंसाफी की जाएगी, हमारी बेटियों से, हमारी माओं से, हमारी बीवियों से। तो फिर ये महिला आगे निकलेगी, इस बेइज्जती का जमहूरी तरीके से इसका जवाब भी देंगे इंशाअल्लाह। होता कोई नहीं बोलता, कोई नहीं बोलता। नरेंद्र मोदी जी आप क्यों नहीं बोलते इन पर? क्योंकि आप वोट नहीं देते, क्योंकि आपकी पार्टी से, आपकी आरएसएस की आइडियोलॉजी से वाबस्ता नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अच्छा फिर अब ये चलाएंगे कि ओवैसी ने कहा, अरे दीवानों मैंने नहीं कहा, ये मिजोरम के एक गवर्नर साहब है, उनका क्या नाम है, सत्यपाल मलिक साहब। सत्यपाल मलिक साहब ने कहा कि मैं मोदी से मिला था किसानों के मसले में, मैंने कहा मोदी जी आपकी वजह से 500 किसान मर गए, तो मोदी ने कहा मेरी वजह से मरे। ये सत्यपाल मलिक बोल रहा, गवर्नर के पोस्ट पर है वो कह रहे। फिर मोदी कहते मेरा मोदी से झगड़ा हो गया, फिर मोदी ने कहा जाकर अमित शाह से मिलो, मैंने अमित शाह से मिला। ये सत्यपाल मलिक के अल्फाज है, मेरा भड़काव भाषण नहीं है। तुमको अगर केस बुक करना है तो सत्यपाल मलिक A1 मैं A2। सत्यपाल मलिक ने कहा मैं जाकर अमित शाह से मिला, तो अमित शाह ने क्या कहा, मैं अगर लफ्ज को बोलूंगा तो फिर बोलेंगे वो बोला ही नहीं। मेरा क्या हिंदी का वर्ड, हिंदी का वर्ड क्या है कि मेरा मानसिक संतुलन तो ठीक है, मगर सत्यपाल मलिक और अमित शाह ने जो कहा मोदी के बारे में, क्या कहा उसने, इस पर कोई नहीं बोलेंगे। ये संघ परिवार के लोग खामोश बैठेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हम आपसे अर्ज करने आए हैं कि इन हालात पर आपको नजर रखना है। याद रखिए, भारत की जमहूरियत मजबूत होगी जिस तरह ठाकुरों ने योगी को अपना नेता मान लिया, जिस तरह यादवों ने मुलायम सिंह साहब को और अखिलेश को अपना नेता मान लिया, जिस तरह चौधरी चरण सिंह से लेकर अब जयंत चौधरी तक जाट बोलता है कि ये मेरा जाट है, जिस तरह बाघेलों ने बाघेल को देखकर अपना नेता मान लिया, जिस तरह ब्राह्मणों ने कहा कि अगर अजय मिश्रा को हटाया जाएगा तो वोट नहीं मिलेगा, वो मंत्रिमंडल में आज भी होम मिनिस्टर है, जिस तरह कुर्मियों ने अनुप्रिया को अपना नेता मान लिया, जिस तरह राजभरों में बीजेपी के नेताओं को मान लिया, अब बताओ जब ये सब लोग अपने अपने नेता को बनाए, अपना हिस्सा ले रहे, और उत्तर प्रदेश के 19% मुसलमान जब अपना हिस्सा लेने की बात ओवैसी करता है तो सबके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। बीजेपी कहती है कि ओवैसी जो बात कर रहा है उससे फिरका परस्ती बढ़ेगी। अरे तुम्हारे सरकार में, तुम्हारे इक्तदार में हमारी बच्चियों की बेचने की बोली लगाई जा रही है, तुम्हारे सरकार में तुम्हारा मंत्रिमंडल का मिनिस्टर का बेटा चार चार लोगों को अपनी गाड़ी से हटल कर देता है, उस पर तुमको तकलीफ नहीं होती।